हेलो फ्रेंड्स, अतुल्य आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं संस्कृत की शिक्षण विधियाँ, और संस्कृत की जो अपने शिक्षण विधियाँ पढ़ रहे हैं उनमें हमने अभी तक देख लिया है व्याकरण शिक्षण को, और साथ ही साथ हमने देख लिया है गद्य शिक्षण को। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम अध्ययन करेंगे रचना शिक्षण को। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? हम पढ़ेंगे रचना शिक्षण, किसमें? संस्कृत शिक्षण की जो विधियाँ हैं उसमें रचना शिक्षण की बात करेंगे। तो यहाँ जो सबसे पहले हमें पढ़ना है वो है कि इस रचना शब्द का अर्थ क्या होता है। दोस्तों, वैसे तो सामान्यतः अपने रचना शब्द का अर्थ निर्माण से भी लेकर के चलते हैं, लेकिन यहाँ हम थोड़ा सा अलग लेंगे, क्योंकि रचना देखिए किसी शर्ट की नहीं होती, किसी कमीज की नहीं होती, खाने की रचना नहीं होती, भोजन का भोजन बनाना होता है लेकिन भोजन की रचना नहीं होती। रचना का जो एक भावार्थ अपने ले सकते हैं, जो इसका मुख्य कनेक्शन होता है, वो कलात्मक अभिव्यक्ति के साथ में होता है। दोस्तों, किसके साथ में होता है? कलात्मक अभिव्यक्ति के साथ में रचना का जो है संबंध होता है, क्योंकि रचना क्या है? रचना है भावों और विचारों का कलात्मक अभिव्यक्ति, यानी भाव और विचार जो हैं उसके जब अपने कलात्मक अभिव्यक्ति करते हैं तो उसे अपने रचना कहा करते हैं। और वैसे रचना शब्द का सामान्य अर्थ लें तो हम किस रूप में लेते हैं? बनाना को लेते हैं, या फिर अपने ऐसा कह सकते हैं क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना। हम कहते हैं ना, पुस्तक की रचना होती है दोस्तों, कविता की रचना होती है, कहानी की रचना होती है, लेकिन मकान की रचना नहीं होती, उसका निर्माण होता है। भावार्थ अपने अर्थ अपने एक जैसे से देख लेते हैं, लेकिन इनके भावार्थ थोड़े से क्या होते हैं? अलग होते हैं। तो ये बात आपको अच्छे से दिमाग में बैठा लेनी है कि भावों और विचारों की जो कलात्मक अभिव्यक्ति होती है उसे ही अपने रचना कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि हमारी इस रचना शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं। रचना शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं, क्यों किया जाता है ये रचना शिक्षण, ये हमें सीखना होगा। तो सबसे पहली बात जो है वो है लिखित अभिव्यक्ति। भी रचना शिक्षण अपने क्यों करवाते हैं? रचना देखिए, कहानी की क्या की जाएगी? रचना यानी वो लिखी जाएगी, है ना। कहानी कभी किसी बच्चे को कहें तो उसको लिखने के लिए कहते हैं कि आप एक कहानी लिखिए। तो रचना क्या होती है दोस्तों? लिखित अभिव्यक्ति होती है। किसकी होती है? उसके पास में जो भी विचार हैं, जो भी उसके पास में अनुभव है, ये उनकी क्या होती है दोस्तों? लिखित अभिव्यक्ति होती है। यानी कि वो बालक जो है वो अपने विचार और अनुभवों की लिखित अभिव्यक्ति कर सकें, यही सिखाना इसका क्या होता है? उद्देश्य होता है। दूसरा, इससे और बालक में किस चीज का विकास होता है? कल्पना का। क्योंकि जब उसको कहानी लिखनी है तो कुछ उसको बताना है, कोई निबंध लिखना है, तो उसे तर्क भी करने पड़ेंगे और साथ ही साथ उसको कल्पना भी करनी पड़ेगी। तो इससे बालक में किसका विकास होता है दोस्तों? तो तर्क और कल्पना का विकास करना भी इसका एक उद्देश्य हो सकता है दोस्तों। इसी के अलावा देखिएगा, इसमें एक विचार करने की अभिव्यक्ति भी आती है। इसमें विचार करने की जो क्षमता है वो भी उसके अंदर विकसित होती है इसी के द्वारा। यानी बालक के अंदर क्या होती है? विचार करने की क्षमता विकसित हो सके, ये भी इसका उद्देश्य रहता है। यानी जो बालक कहानी लिखेगा तो उसका उसके अंदर एक क्रम होता है, एक निबंध लिखेगा उसमें एक क्रम होता है, पैराग्राफ लिखेगा तो उसमें एक क्रम होता है, ताकि बच्चा जो है वो विचार उसमें कहानी लिखेगा ना, तो क्रमबद्ध रूप से उसको विचार करना पड़ेगा, उसको लिखना पड़ेगा। तो विचारों को क्रमबद्ध करने की क्षमता उसके अंदर विकसित करना, ये उसका उद्देश्य हो सकता है। साथ ही साथ देखिएगा, वो और किन चीजों को सीखता है इसके द्वारा? देखिएगा, बच्चे मुहावरों का उपयोग करते हैं, तो मुहावरा किस प्रकार से उपयोग करना है, किसी सूक्ति का उपयोग करना है। इसके अलावा गद्य में जो मुख्यतः आता है, जैसे विराम चिन्ह वगैरह है, इनका उपयोग करना, ये सारी जानकारी देना भी इसका उद्देश्य होता है, ताकि बालक खुद रचना करता है ना, तब इनका वो सही ढंग से जो है उपयोग कर सकता है दोस्तों। और इसी के साथ साथ इसका जो एक रहता है, उसकी अभिव्यक्ति, बालक की जो अभिव्यक्ति है उसका विकास करना जो है वो सबसे बड़ा इसका उद्देश्य रह जाता है, ताकि वो अपनी अभिव्यक्ति और रचनात्मक कुशलताओं का विकास कर सके। जो उसके अंदर रचनात्मक कुशलता है, जो उसकी अभिव्यक्त्यात्मक जो उसकी कुशलता है, उसका विकास हो सके, इसके लिए हम रचना शिक्षण का कार्य करवाते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे।
आगे बढ़ें तो आगे बढ़ने के बाद में हमें जो आगे सीखना है वो है हमारा कि रचना शिक्षण के अंग कौन कौन से होते हैं, यानी रचना शिक्षण के अंग कौन कौन से होते हैं, यानी पाठ कौन कौन से हैं, रचनाएं कौन कौन सी हो सकती है दोस्तों, किस किस चीज की रचना हो सकती है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए रह जाती है। तो किस किस चीज की रचना हो सकती है दोस्तों, तो एक तो हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, पत्र लेखन, छोटी कक्षाओं में आता है ना, पत्र के बाद में क्या आती है दोस्तों, कहानी लेखन हो सकता है, साथ ही साथ क्या हो सकता है दोस्तों, निबंध लेखन हो सकता है, निबंध लेखन का कार्य उसको करवाया जा सकता है, साथ ही साथ कोई सार लेखन संक्षिप्तीकरण है वो उसको करवाया जा सकता है, किसी सूक्ति की क्या कहा जा सकता है, व्याख्या करना उसको सिखाया जा सकता है, भाव पल्लवन, पल्लवन हो गया, संक्षेपण हो गया, ये दोनों इसमें आ गए। इसके अलावा किसी प्रकार की कोई जीवनी हो गई, कोई आत्मकथा हो गई, कोई आत्मकथा हो गई, और आगे बढ़े तो देखिएगा कोई सार लेखन हो सकता है किसी, ये तो हमने देख लिया ना, यहाँ पे सार लेखन हो सकता है या फिर वर्णन हो सकता है ना, आपके देखे हुए किसी बाजार का वर्णन करो, किसी मेले का वर्णन करो, ये सारे के सारे क्या आते हैं दोस्तों, ये रचना शिक्षण के अंग आते हैं, और ये किस प्रकार से करवाई जाए ये हमें बच्चे को सिखाना है। तो यहाँ कौन कौन सी विधियां अपने काम में ले सकते हैं, तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं हम कि रचना शिक्षण की विधियां कौन कौन सी होती हैं, ये हमें समझना होगा, रचना शिक्षण की विधियां कौन कौन सी होती हैं हमें ये अच्छे से समझना होगा। तो सबसे पहले हम देखें प्राथमिक स्तर पर कौन कौन सी होती है, प्राथमिक स्तर पर कौन कौन सी होती है दोस्तों, तो प्राथमिक स्तर पर जो हमारी सबसे पहली आती है वो तो हो गई प्रश्नोत्तर विधि, कौन सी आ गई दोस्तों, प्रश्नोत्तर विधि आ गई, और दूसरी जो हमारी आ गई वो कौन सी आ गई, चित्र वर्णन विधि आ गई, तीसरी हमारी कौन सी आ गई दोस्तों, यहाँ कुछ याद करने वाला नहीं है, एक बार समझ लोगे तो उसको दोबारा पढ़ना ही नहीं पड़ता है ना, इतना आसान ये टॉपिक है और इसमें से सबसे ज़्यादा नंबर भी आते हैं दोस्तों। इसी के साथ ये आपको और भी विषयों में काम आती है, जैसे लैंग्वेज कोई सी भी हो, लगभग आपकी विधियाँ कौन सी रहने वाली हैं, विधियाँ आपकी यही रहेगी। एक लेख विधि भी होती है जिसमें अपने देखो और रचो विधि के नाम से भी हम इसको जानते हैं। अब धीरे धीरे एक एक करके इन सबको हम देखेंगे, लेकिन एक और विधि प्राथमिक स्तर पर अपने काम में लेते हैं, वो है हमारी भाषा शिक्षण यंत्र विधि। कुछ जो है हम वो पहले से कर भी चुके हैं, तो उनको अपने को अलग से कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। तो प्राथमिक स्तर पर कौन कौन सी विधियां होती हैं, यहां से अपने से इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक छठी और लिख लीजिएगा आप, अनुकरणात्मक विधि, अनुकरणात्मक विधि। एक तो प्रश्नोत्तर विधि का प्राथमिक स्तर पर यूज होता है, चित्र वर्णन विधि, अनुकरण विधि, लेख विधि, हम इसको कहते हैं देखो रचो विधि। देखो और रचो विधि भी कौन सी होती है, यही हुआ करती है। एक अनुकरण विधि हो सकती है, एक हमारी भाषा शिक्षण यंत्र विधि हो सकती है, तो एक अनुकरणात्मक विधि भी हो सकती है। इन सभी विधियों का अपने यूज करते हैं प्राथमिक स्तर पर। आगे बढ़ते हैं और इसके बाद में हम बात कर लेते हैं माध्यमिक स्तर पर कौन कौन सी विधियों को अपने काम में लेते हैं। नोट कर लीजिएगा इनको, देखिएगा इसमें माध्यमिक में सबसे पहले हमारे पास में आती है रूपरेखा विधि। कौन सी आ गई, रूपरेखा विधि। एक हम ले सकते हैं प्रवचन विधि, एक हम ले सकते हैं उद्बोधन विधि, उद्बोधन विधि। एक अपने ले सकते हैं परिचर्चा या विमर्श विधि, विमर्श विधि। हम इसको और क्या कह सकते हैं, परिचर्चा डिस्कशन है ना। एक अपने ले सकते हैं पांचवी विधि जो अपने पास में आ सकती है, मंत्रणा विधि, और एक अपने ले सकते हैं स्वाध्याय विधि। ये मंत्रणा और स्वाध्याय को दो रूप में भी देखते हैं और एक रूप में भी आता है मंत्रणा, या फिर कौन सी आगे एक और अपने पास में स्वाध्याय विधि आती है। वैसे इसके लिए इस शब्द का यूज भी किया जाता है दोस्तों। तो ये हमारी कौन सी रह गई, ये माध्यमिक स्तर की रह गई। अब उसके बाद में आगे बढ़े हम और हम बात करें उच्च स्तर पर विधियां कौन कौन सी आती हैं। उच्च स्तर पर अगर अपने देखें उच्च स्तर पर कौन कौन सी विधियां आती हैं दोस्तों, तो उच्च स्तर पर एक तो हमारे पास में आती है विमर्श विधि, दूसरी हमारे पास में आती है निर्देश विधि, तीसरी हमारे पास में आती है समवाय विधि,
और चौथी हमारे पास में आती है विश्लेषण विधि। दोस्तों हम उन्हीं विधियों की चर्चा कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चार विधियां, यहाँ से आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, उच्च स्तर पर कौन सी आती है, मध्यमिक स्तर पर कौन सी आती है, प्राथमिक स्तर पर कौन सी विधि का अपने उपयोग किया करते हैं, ये चीजें आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। आगे बढ़े और आगे बढ़ते हुए अब हम एक एक करके सभी की चर्चा करते हैं जो जाननी अनिवार्य है। तो इसमें सबसे पहले अपने बात करेंगे भाषा शिक्षण यंत्र विधि की, या इसके साथ में अपने उपकरण शब्द को भी जोड़ सकते हैं, भाषा शिक्षण यंत्र या फिर उपकरण विधि की बात करते हैं दोस्तों। तो पहली बात तो ये विधि जो है अपने किस स्तर पे काम में लेते हैं, समझिएगा इसको, इसको अपने काम में लेते हैं प्राथमिक स्तर पर। एक तो हमारा प्रश्न ही यही बनता है कि भाषा शिक्षण यंत्र विधि को हम किस स्टेज पे काम में लेते हैं, तो प्राइमरी लेवल पर अपने इसको काम में लेते हैं। अब दूसरी बात ये होती क्या है, तो एक तो ये याद रखिएगा प्राथमिक स्तर पर रचना शिक्षण के लिए ये बेस्ट मेथड है, यानी सबसे अच्छी विधि कौन सी मानी जाती है, श्रेष्ठ विधि इसी को कहा जाता है। अब इसमें होता क्या है दोस्तों, इसमें एक तो होता है शिक्षक और उसके साथ में होते हैं छात्र, और एक होती है रचना जिसका निर्माण करवाना है, जिसको लिखवाना है, यानी शिक्षक जिस सब्जेक्ट पर जिस विषय पर रचना करवाना चाहता है उस रचना से संबंधित एक चित्र होता है, ये चित्र जो है वो दीवार पर टांग देता है। कौन टांगेगा दोस्तों, शिक्षक जो है दीवार पर इस चित्र को लटका देता है, टांग देता है, और उससे संबंधित एक रिकॉर्ड प्लेयर है जो बजाया जाता है। हालांकि आजकल तो इस प्रकार के रिकॉर्ड प्लेयर का टाइम ही नहीं रहा, अब अगर हम यूज करेंगे तो LCD वगैरह का यूज करेंगे किसी, लेकिन यहाँ पर क्या करता है वो एक रिकॉर्ड प्लेयर को बजाता है जो इस चित्र से क्या होता है, संबंधित होता है। दोस्तों बच्चे ध्यानपूर्वक चित्र देखते हैं, दोस्तों किताबों में बहुत कुछ पुराना पड़ा है अभी तक, बताइएगा कोई ग्रामोफोन अगर बजाना होगा तो मिलेगा ही नहीं ना उसको, तो उससे तो अच्छा एक LCD दीवार पर लगाई, उसके अंदर कोई चित्र दिखा दिया, म्यूजिक व्यूजिक आजकल तो सारा उसके अंदर आ जाता है ना, तो ये लेकिन हमारी किताबों में है इसलिए अपने को उसको पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों आप BEDSTC किताबें देखोगे आज भी उनमें ग्रामोफोन है, लिंगवा फोन है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, OHP है, वो दिखाई दे रही, लेकिन उनका उपयोग तो आजकल नए के बराबर हो चुका है दोस्तों, वीडियो प्रोजेक्टर आ चुके हैं, तो लेकिन फिर भी हमारी किताबों में है इसलिए हमें इसको पढ़ना पड़ेगा। तो ये शिक्षक क्या करता है, चित्र इसके सामने टांग दिया और ये ग्रामोफोन है जो है इसको बजाता है, और ये रिकॉर्ड जब बजाता है तो बच्चे ध्यानपूर्वक, जो बच्चे आगे बैठे हैं, बच्चे दो हैं, वो ध्यानपूर्वक इस चित्र को देखते हैं, उसको समझते हैं। अब रिकॉर्ड प्लेयर जब समाप्त हो गया, रिकॉर्ड समाप्त हो गया तो पाठ के दोहराने के लिए जो है शिक्षक छात्रों से प्रश्न भी पूछता है। अब और उन उत्तरों के आधार पर, जैसे उसने प्रश्नों के उत्तर दिए, उन उत्तर के आधार पर फिर क्या करता है, प्रश्न, और प्रश्न से आते हैं उत्तर, और उत्तर के आधार पर ही क्या करता है दोस्तों, रचना कार्य करवाया जाता है। अब जब उसने रचना कर ली तो वो अपनी पुस्तक से उसको मिलान करता है दोस्तों, तुलना करता है, और पता चल जाता है कि क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास में, किसके साथ में देखिए मिलान करता है, पुस्तक के लिए। अब आपसे पूछा जाए कि भाषा शिक्षण यंत्र से पढ़ाने के लिए आपको क्या चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो एक तो ये आपको बजाने के लिए चाहिए, एक आपको ये चित्र चाहिए, एक इसमें डालने के लिए रिकॉर्ड प्लेयर भी होना चाहिए, एक आपको देखिएगा एक पुस्तक जिसकी अभी हमने चर्चा की, ये भी आपके पास में होनी चाहिए, इतनी चीज़ों की आपको आवश्यकता होती है। तो ये हमारी थी भाषा शिक्षण यंत्र विधि। अगली विधि की हम बात करते हैं तो वो आती है हमारी अनुकरणात्मक विधि। कौन सी विधि की बात करेंगे दोस्तों, अपने अनुकरणात्मक विधि की बात करते हैं दोस्तों। इसमें देखिएगा यहाँ अनुकरण कर रहा है दोस्तों, इसमें जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जिसमें जो भी भाषा होगी, जिस भाषा का यूज किया जा रहा है, वो भाषा जो है छात्रों की स्वयं की होती है, छात्रों की भाषा स्वयं की होगी, भाषा इसकी होगी, है ना, लेकिन विचार किसके होंगे, विचार यानी कि शैली, जो शैली होगी वो किसी अन्य की होती है, यानी विचार जो होंगे, यानी जो शैली होगी वो क्या होगी, वो किसी अन्य की होगी, लेकिन भाषा जो होगी वो किसकी होगी, वो छात्र की स्वयं की भाषा हुआ करती है। दोस्तों आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिएगा अनुकरणात्मक, बालक के सामने एक आदर्श रचना, आइडियल एक जो रचना है उसके सामने प्रस्तुत की जाती है, और छात्र दिए हुए विषय पर उसी अनुसार से जो है रचना करता है। जैसे मान लीजिएगा बच्चे को होली का लेख बता दिया जाता है और उसको कहा जाता है भी दिवाली पर लेख लिखो, उसको फुटबॉल मैच का
पढ़ा दिया जाता है, सिखा दिया जाता है और उसको कहा जाता है भी आप क्रिकेट पे लिखो, इस प्रकार से दे दिया जाता है। तो ये जो विधि कहलाएगी यानी एक मॉडल, जैसा आपने छोटी कक्षाओं में करते भी है ना, और गड़बड़ भी हो जाती है। क्या गड़बड़ हो सकती है दोस्तों इसमें, देखिएगा, बच्चे को लेसन पढ़ाया था माई बेस्ट फ्रेंड का, माई बेस्ट फ्रेंड का पढ़ाया, दोस्तों इंग्लिश आ गई है, संदर्भ के अनुसार ही अपने ले रहे हैं, ज़्यादा सीरियस में तो जाना इसको लेकर के, माई बेस्ट फ्रेंड का पढ़ाया था और आ गया किसका, माई फादर का। अब बच्चे के साथ में गड़बड़ क्या हो सकती है बोलो, अब उसने तो याद किया था आई हैव मैनी फ्रेंड्स बट मोहनलाल इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब यहाँ पर अगर उसको कहे इसी आधार पर उसने रटा रटा आंसर देना होता है, इसकी जगह खाली नाम ही तो बदलना है ना, ये करता है बच्चा, तो क्या कहेगा दोस्तों, आई हैव मैनी फादर्स बट मोहनलाल इज माई बेस्ट फादर। तो ये गड़बड़ यहाँ पर हो सकती है अनुकरणात्मक विधि में, क्योंकि भाषा तो उसकी खुद की है लेकिन शैली कहाँ से होती है, उसने पकड़ी हुई है दोस्तों। जैसे अपने 15 अगस्त का लेख उसको करवा दिया, हम उससे 26 जनवरी का लेख करने के लिए कह देते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके दिमाग में अच्छे से घुस चुकी होगी। अब आगे जो आती है बिल्कुल आसान आसान सी विधियाँ, ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। एक विधि और आती है समवाय, जिसकी चर्चा हमने पहले भी की थी। अब इसमें क्या होता है कि जब कोई पाठ पढ़ाया जा रहा है तो पठन के साथ साथ ही रचना शिक्षण का ज्ञान भी करवा दिया जाता है। जैसे अपने व्याकरण की बात की थी वैसे वैसे यहाँ पर यह भी करवा दिया जाता है। मैं उन प्रैक्टिकल मेथड्स की बात कर रहा हूँ जो ज़्यादातर कक्षा में यूज होती हैं। इसी प्रकार से एक और विधि हमारे पास में आती है जिसका नाम है वाद विवाद विधि। दोस्तों वाद विवाद या फिर हम इसको कह सकते हैं परिचर्चा विधि, ये नाम से स्पष्ट है ना। वाद विवाद कभी भी देखिए बुरा नहीं होता है, उसमें डिस्कशन होता है असल में। इसमें क्या करेगा दोस्तों, जिस सब्जेक्ट के ऊपर, जो सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट के ऊपर क्या करवानी है, रचना करवानी है दोस्तों, उस विषय पर क्या कहा जाता है, पहले कक्षा कक्ष में वाद विवाद करवाया जाता है। कक्षा में क्या होगा दोस्तों, वाद विवाद होगा, और वाद विवाद से जो निष्कर्ष बाहर निकल करके आते हैं, इस वाद विवाद से जो क्या आएंगे दोस्तों, जो निष्कर्ष निकल करके बाहर आते हैं और उनके आधार पर ही बालक से रचना करवाया जाता है, और रचना के लिए यही क्या होता है, सर्वश्रेष्ठ मेथड मान के चलते हैं दोस्तों। लेकिन ये जो विधि है वो निम्न स्तर पर उपयोगी नहीं है। ये किस स्तर पर उपयोगी है, उच्च स्तर पर उपयोगी है दोस्तों। अब उच्च स्तर पर इसलिए क्योंकि इस विधि के लिए क्या चाहिए, तर्क चाहिए और साथ ही साथ कल्पना शक्ति भी अच्छी होनी चाहिए। तो ये छोटे बच्चों की तो होती नहीं है, ये बड़े बच्चों की होती है, इसलिए उनका उपयोग किया जाता है। तो वाद विवाद विधि में क्या होगा दोस्तों, शिक्षक को जिस सब्जेक्ट के ऊपर उससे लिखवाना है उस कक्षा कक्ष के अंदर ही वाद विवाद करवाता है, और वाद विवाद से जो भी निष्कर्ष आता है उन निष्कर्षों के आधार पर ही रचना कार्य करवाया जाता है, जो कि हमारी सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। किसके लिए, रचना शिक्षण के लिए हमारी सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी रचना शिक्षण की कुछ इंपॉर्टेंट विधियां, इससे संबंधित हमने सारे क्वेश्चन लगभग कवर कर लिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आ गया होगा दोस्तों। और दोस्तों अगर आप जो है हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, या फिर हमारी जो डेली पीडीएफ है जिसमें आपको करंट अफेयर्स दिया जाता है उसको पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए तो वहाँ पर भी सारी चीज़ें उपलब्ध करवाई जाती हैं। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसमें हम देखेंगे नाटक शिक्षण को, और समय रहा तो उससे आगे की चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।